द कश्मीर फाइल्स फिल्म पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। विपक्ष का आरोप है कि फिल्म के जरिए बीजेपी देश को बांटने का काम कर रही है, तो वहीं बीजेपी कश्मीरी पंडितों के बहाने कांग्रेस और पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला को अपना निशाना बना रही है। लेकिन इन सबके बीच बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी ही पार्टी को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। इस वक्त देश भर में कश्मीरी पंडितों के दर्द पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स की बात हो रही है। फिल्म के जरिए देश भर में सियासत की जा रही है। राजनीतिक दल एक दूसरे पर इस घटना का ठीकरा फोड़ रहे हैं। बीजेपी लगातार कांग्रेस को और पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला को इसका जिम्मेदार बताने की कोशिश कर रही है, लेकिन बीजेपी की ये रणनीति उस पर ही भारी पड़ती दिख रही है। पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के बचाव में उतरे बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि मुसलमान और पंडित एक जैसे हैं, उनमें एक सा खून है। यदि डीएनए जांच की जाए तो परिणाम एक जैसा ही आएगा। कश्मीरी पंडितों के साथ अन्याय हुआ है, ऐसा आप ही खुद कह रहे हैं। पूरा दोष फारूक अब्दुल्ला पर डाला जा रहा है, लेकिन ये बीपी सिंह और मुफ्ती मोहम्मद सईद का किया धरा था। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कश्मीरी पंडितों के पलायन का जिम्मेदार तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह को और मुफ्ती मोहम्मद सईद को बताया है। सुब्रमण्यम स्वामी का ये बयान खुद बीजेपी पर ही सवाल खड़े करती है, क्योंकि 1989 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस हार गई और कम्युनिस्टों और बीजेपी के समर्थन से बीपी सिंह प्रधानमंत्री बने थे, यानी केंद्र में बीजेपी समर्थन वाली सरकार थी। कांग्रेस भी लगातार यही कहती आ रही है कि इस नरसंहार के लिए उसके 9 साल 11 महीने जिम्मेदार नहीं है, बल्कि बीपी सिंह की सरकार का एक महीना ही इस पूरी स्थिति के लिए जिम्मेदार था, और उस वक्त बीजेपी वीपी सिंह की सरकार को अपना समर्थन दे रही थी। अब इस बात को खुद बीजेपी सुब्रमण्यम स्वामी ने माना है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि फिल्म द कश्मीर फाइल्स पर छिड़ा विवाद आगे क्या मोड़ लेता है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।